हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो गाइस, स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है क्लास डी 400 प्लस 400 मोनोवोट। तो फ्रेंड्स, इसकी आज हम साउंड टेस्टिंग और इसके फुल कनेक्शन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली वीडियो में आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी, ठीक है, और प्राइस वगैरह के बारे में, कनेक्शन के बारे में मैंने थोड़ा मोस्टली बता दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं एम बी कलेक्शन ब्रांड का ये बोर्ड होने वाला है क्लास डी, ठीक है। चार मोस पैड के अंदर ये बोर्ड होता है और अच्छी खासी इसमें काफ़ी भारी इसके अंदर जो है हमें हीट सिंक देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। लगभग इसका जो वेट होता है, जो इसका वेट है लगभग 500-600 ग्राम के आसपास इसका वेट है, काफ़ी ठीक ठाक वेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पर चैनल पर हमें 400 वाट की आउटपुट देगा। दो चैनल इसके अंदर हैं, ये मोनो है, ठीक है फ्रेंड्स। मोनो नहीं, स्टूडियो है, मतलब डबल वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हमें जो ट्रांसफार्मर लगाना है वो लगभग हमें 40-0-40 20 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगाना है, 10 एम्पीयर इधर 10 एम्पीयर इधर, मतलब 40-0-40 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगभग एक साइड पे होना चाहिए, मतलब 40-0-40 डबल सप्लाई हो, सॉरी डबल सप्लाई नहीं, सिंगल सप्लाई हो, 40-0-40 20 एम्पीयर ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। 20 नहीं हो तो 15 तो हो, ठीक है फ्रेंड्स। कम से कम इतना ट्रांसफार्मर होना चाहिए, 40-0-40 15 एम्पीयर, तो ही आप लोग इससे अच्छी आउटपुट ले पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आउटपुट आपको इतनी तगड़ी देखने के लिए मिलेगी, आपको वो इस वीडियो में पता चली जाएगा। तो वीडियो पूरी वॉच करनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब मैं इसके सीधे सीधे आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, कनेक्शन इसके कैसे करने हैं। तो गाइस, ये अपने तीनों पावर सप्लाई के तार मेरे हाथ में हैं और इन्हें मैं अब लगाऊँगा इस कनेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसमें गाइस, सबसे पहला हमें प्लस का मिल जाता है, तो प्लस पर हमारा वाइट वाला तार लगेगा, ठीक है। ये हमारा प्लस सप्लाई का है और ये हमारा माइनस सप्लाई का है। तो गाइस, ये हमारी तीसरी पिन पर लगेगा, बीच में लगेगा हरा वाला ग्राउंड, मतलब वाइट वाला तो है हमारा प्लस, और यहाँ तीसरा वाला मतलब ब्लैक वाला है माइनस, और हरा वाला है ग्राउंड। इस तरीके से तीनों कनेक्शन लगेंगे यहाँ पर, हरा वाला ग्राउंड, वाइट वाला प्लस और ब्लैक वाला माइनस, ठीक है। प्लस माइनस और ग्राउंड के तीनों के कनेक्शन ये हो जाते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख लीजिए, हमारे पावर सप्लाई के कनेक्शन हमने सिंपल से कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार अच्छे तरीके से बता देता हूँ, देख सकते हैं माइनस वाला माइनस पर लगाया है, मतलब ब्लैक वाला माइनस पर, और हरा वाला ग्राउंड पर, और सफ़ेद वाला जो है वो लगा है हमारे प्लस पर, वाइट वाला, ठीक है। इस तरीके से हमारे पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, और ये आपको दोनों चैनल की अलग अलग स्पीकर आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड और स्पीकर प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। और अपना एक दोनों कनेक्टर उधर दूसरे साइड में ऑडियो के लिए, दोनों चैनल के लिए अलग अलग ऑडियो के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आपको दो कनेक्टर मिलते हैं इसके साथ में, दोनों को आपको ऑडियो से जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे वही मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ऑक्स के दो तार होते हैं, ठीक है, और दो दो तार उनमें हैं। तो रेड रेड वाला एक जगह करके सिग्नल वाले पर लगाना है, और माइनस वाला जो एक जगह करके ग्राउंड पर लगाना है। इस तरीके से गाइस, हमें फ़ोन की ऑक्स से ये जोड़ लेना है, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे जोड़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो में बने रहना है, ठीक है। साउंड टेस्टिंग इसमें बहुत ही तगड़ी होने वाली है, आप लोगों को साउंड टेस्टिंग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे गाइस, अब मैं चला रहा हूँ 30-0-30 20 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर से इसे मैं चला रहा हूँ। तो वाइस वो हमें डीसी में लगभग 40-0-40 की आउटपुट दे देता है, 38-40 की आउटपुट, ठीक है। तो उस ट्रांसफार्मर से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसमें कनेक्टर जोड़ लिए हैं, एक इधर लगा दूंगा, एक उधर लगा दूंगा, और दोनों कनेक्टर गाइस ऊपर हमारे एक ही ऑक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो मैं वीडियो को थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ ऊपर की ओर, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसकी ऑक्स के साथ इसके दोनों कनेक्टर जोड़ लिए हैं यहाँ पर। बाकी बस इसके सिंपल से कनेक्शन, स्पीकर के तार और जोड़ने हैं, और फिर इसके बाद इसे चेक करना है करंट देके। तो सब कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है, ठीक है, और फिर इसकी हम साउंड टेस्टिंग सुन लेंगे। ये हमारे स्पीकर के तार हैं, इस पर मैंने 12 इंची 200-200 वाट के तीन स्पीकर पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तीनों एक ही साथ हैं। तो पहले मैं सिंगल चैनल पर टेस्ट करूँगा और फिर दूसरे चैनल पर टेस्ट करूँगा। तो पहले मैं सिंगल चैनल पर इसके वायर लगा लेता हूँ, और उसके बाद इसमें करंट देके चेक करेंगे कि ये बोर्ड हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है।
तो ये हमारे स्पीकर के तार है गाइस, तीनों तीन स्पीकर हमने 12 इंच इस पर जोड़ दिए हैं 200-200 वाट के, ठीक है, 155 2 इंची वॉइस कॉयल वाले, तो 200-250 वाट लगभग उसकी आरएमएस पावर होती है, ठीक है। ये हमारे सारे कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए मैं अभी से एम्प को ऑन करता हूँ और सारे मास्टर वॉल्यूम बेस ट्रबल जो भी है सब ये जीरो रखता हूँ, ठीक है। और इसमें अब हम ऑडियो देखेंगे, पीछे ऑक्स लगा लिया मैंने एम्पलीफायर में से, क्योंकि इसकी बीटी बोर्ड मैंने एम्पलीफायर का ही बीटी बोर्ड इसमें जोड़ा है, बीटी बोर्ड से जो आउटपुट निकली है वो आउटपुट मैंने इस बोर्ड में दी है। तो चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा सिग्नल दे के देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं, तो ये चल चुका है। अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे और इसकी साउंड टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा साउंड का पंच, अब हम इसमें दूसरा सॉन्ग प्ले करेंगे, दूसरा सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि उसकी साउंड कैसी आती है। तो फ्रेंड्स अब हम स्पीकर के तार जोड़ते हैं दूसरे चैनल पर और दूसरे चैनल की आउटपुट सुनते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको साउंड टेस्टिंग, कमेंट में ज़रूर बता के जानी है। और एक और सॉन्ग प्ले करते हैं हम दूसरा, ठीक है, और देखते हैं स्पेस का रिस्पॉन्स कैसे रहता है। तो चलिए सॉन्ग प्ले कर लेते हैं हम दूसरा वाला। तो फ्रेंड्स इसमें एक हम लास्ट सॉन्ग और प्ले करते हैं और लास्ट सॉन्ग की रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। और कमेंट कर देना वीडियो में जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, ठीक है, और जिस तरीके की वीडियो नहीं चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो, और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए सॉन्ग प्ले। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको साउंड टेस्टिंग, कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये अगर बोर्ड चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, नंबर डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो ही कुछ समझ में आ पाएगा, नहीं तो बीच बीच में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर किसी को ये बोर्ड चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से आता है उससे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जो इसका प्राइस है वो 2200 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है। और आपको ऑफलाइन ये मतलब हमारे पास से 2000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, 1950-2000 के आसपास, ठीक है। तो जिसे चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैसेज पे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे जाकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।